मारुति सुजुकी की सियाज। कुछ लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि यह कार क्या जापान से आई है। एक्चुअल में इस कार को इंडियन इंजीनियर्स ने जापानीज सुजुकी के साथ मिलकर तैयार किया था मिड साइज सेडान में। यह पहले ये मारुति सुजुकी के प्लेटफॉर्म पर बिकती थी, अभी हाल में इसको नेक्सा पे शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों को उम्मीद थी कुछ नया आने वाला है, तब तो नया नहीं आया, लेकिन अब खबर आ गई है कि चाइना से कुछ नया आ रहा है। क्या नया आ रहा है, आइए समझते हैं पूरी डिटेल के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार्गुरु। हमेशा की तरह एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, जब भी आप इस वीडियो को बंद करने जाएं, आप पहले एक बार लाइक या डिसलाइक में से कोई एक बटन जरूर दबा दीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो बंद कीजिएगा। इससे मुझे समझने में आसानी होती है कि आपने हमारे इस वीडियो को किस नजरिए से देखा है। हाँ, कोई और खास बात हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं आप, बहुत आसान होता है लिखना, मैं रिप्लाई खुद करता हूँ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मारुति सुजुकी की सियाज इंडिया में एक अजीब ही कहानी लेकर आई थी। सियाज की सेल उतनी नहीं हो रही थी और कंपनी ने 1.5 लाख रुपए तक डिस्काउंट दे रखा था। कोई तरीका नहीं सूझ रहा था इंडियन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने उठाकर अपनी इस कार को नेक्सा डिपार्टमेंट को सौंप दिया। बोले आप ही बेचो, मेरे बस का नहीं रह गई। नेक्सा ने इसको रंगा पोता नीले कलर में तैयार किया और इसको बगैर डिस्काउंट के बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह सेल बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें प्रीमियम का लेबल जो चिपका दिया, बगैर एक भी फीचर्स जोड़े हुए, उल्टा डिस्काउंट खत्म करके उन्होंने इसे प्रीमियम बना दिया सिर्फ बातों से, अपनी स्मार्टनेस से। और यह कार फिर बिकने लगी और ज्यादा बिकने लगी पहले के मुकाबले। अभी हाल में उन्होंने एस करके एक अलग सा वेरियंट भी दे दिया, हालांकि उसमें कोई नया चेंज नहीं है। लेकिन असली चेंज अब आ रहा है, असली चेंज आ रहा है कार के साथ कंप्लीटली। यह चेंज है फेस लिफ्टेड न्यू सियाज। और नए सियाज में क्या क्या चेंजेस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शुरुआत एसटीआर के साथ, एसटीआर में इसके साथ चेंज है, पूरा पूरा ग्रिल बदल गया है, यानी पूरा बम्पर ही नया लग गया है। हेडलाइटें भी बदल गई हैं। हाँ, प्रोजेक्शन हेडलैम्प पहले की तरह हमेशा स्टैंडर्ड ही रहेंगे। प्रीमियम कार जो है, हाँ एलईडी लाइटिंग आ गई है जिसकी वजह से रोशनी भी अच्छी होगी और थोड़ा ज्यादा फैलेगी और सिटी में यह काफी बेहतर रहती है। फॉग लैंप भी है, बाकी सारे फीचर्स सेम रहेंगे। डैम्प नया है, कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ नया सा आ गया है, कुछ एग्जीक्यूटिव सा फील दिखने लगी है इस कार में। साइड मिरर वगैरह हर चीज एक जैसी ही रहेंगी, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। एलईडी इंडिकेटर उसके साथ ही मिलेंगे। रियर साइड में अगर हम चलते हैं तो टेल लाइटों में थोड़ा सा ट्वीक है और इन ट्वीक के साथ साथ इसमें एलईडी लाइटें ही शामिल रहेंगी अब, यानी वो हेलोजन वाले बल्ब खत्म। हाँ, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आएगा। कुल मिलाकर यह कार देखने में बदलाव दिखेगी फ्रंट के बम्पर से और बैक साइड से एलईडी लाइटिंग में, साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। चल देते हैं इंजन की तरफ। इंजन में इस कार में पेट्रोल इंजन के साथ तो बदलाव बहुत बड़ा होने वाला है। पेट्रोल इंजन अब 1.4 इंजन की जगह पर इस कार में आ जाएगा नया नवेला। हाँ, बिल्कुल नया नवेला 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन, जैसे कि आप पाते हैं बलेनो आरएस में, वही 3 सिलेंडर वाला, लेकिन इसे 3 सिलेंडर समझिएगा नहीं, काफी बेहतर है और अपने 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर भी भारी पड़ता है। रिफाइनमेंट, पावर डिलीवरी, फ्यूल इफिशियंसी और पिकअप के मामले में जगह भी कम घेरता है, गाड़ी भी हल्की हो जाएगी तो पिकअप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह खासियत होगी इस नए सियाज में और यह कार अब परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। यह नया इंजन इसको देगा 102 BHP की पावर, साथ ही साथ मिलेगा आपको 150 Nm का टॉर्क। डीजल इंजन में कोई बदलाव नहीं होंगे, अभी फिलहाल यही डीजल इंजन चलेगा, वही जो 200 Nm का टॉर्क देता है, साथ में 90 BHP का इंजन, वही फिएट ने जो दे रखा है बस। और यह काफी अच्छी फ्यूल एवरेज भी देता है SHVS सिस्टम के साथ, तो ये सोने पर सुहागा है। यानी एवरेज चाहिए तो डीजल पे आइए, पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छा रिफाइनमेंट लेवल चाहिए तो आप बूस्टर जेट इंजन के साथ आ जाएंगे सियाज पेट्रोल में। इंटीरियर में चेंजेस थोड़े बहुत होंगे, हो सकता है वो डी शेप जो कि आप अभी हाल में डिजायर में स्टीयरिंग देख रहे हैं वो इसमें शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उस स्टीयरिंग को काफी लोगों ने पसंद किया है। साथ ही साथ बड़ा चेंज जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होगा, अब डायल से डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट पैनल में कुछ और चीजें शामिल हो जाएंगी। साथ ही साथ जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है उसमें सबसे बड़ा चेंज होगा कि अब एंड्रॉइड ऑटो स्टैंडर्ड बन जाएगा और कोई बड़ा चेंज आने की उम्मीद नहीं है। डैशबोर्ड अपनी उसी क्वालिटी का रहेगा, प्लास्टिक क्वालिटी में कोई बड़ा चेंज नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कूल ग्लो बॉक्स और ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। स्टीयरिंग, रैक एंड रीच दोनों मिलेगा आपको। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल भी होगी, यानी 6 फीट एडजस्टेबल, और पीछे स्पेस भी आपको सिमिलर ही मिलेगा, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं। बूट में भी कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। सेफ्टी के मामले में इस कार में पहले की तरह से एयरबैग, ABS, EBD और चाइल्ड आइसोफिक्स सीट स्टैंडर्ड में होंगी। इन सब आइटम के साथ ही यह कार नेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बेची जाएगी। हाँ, यह एवरेज क्या देगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यह कार सिटी में 10
13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे पाएगी अपने 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन के साथ। हाईवे पर यह कार 15 टू 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आसानी से दे सकती है पेट्रोल इंजन साथ, और डीजल इंजन के साथ तो बस बात पूछिए मत। सिटी में 13 टू 15 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पर यह 19 टू 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आसानी से दे देती है बड़ी कार होने के बाद भी। यही तो इसके डीजल इंजन की खासियत है और इसी वजह से यह इंडिया का सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशियंट डीजल इंजन कहलाता है। हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा लिखना ना भूलिएगा यहाँ पर भी, और भी ज्यादा जानकारी चाहिए इस कार के बारे में या और भी कई कारों के बारे में एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो फिर एक वेबसाइट हमने बनाई है gaadifi.com, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा उसका। हाँ, और डिस्क्रिप्शन पे उसका एक लिंक भी होगा, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके बहुत सारी जानकारियां पा सकते हैं। यानी आप एक ऐसे पोर्टल में जा सकते हैं जहाँ ऑटोमोबाइल का समावेश है, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। हाँ, हिंदी साहित्यिक नहीं, जिस पे हम बातचीत करते हैं बस उसी वाली। तो फिर देखना ना भूलिएगा, ये वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ जरूर कीजिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज रिव्यूज आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं, नई नई कारों के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया की कारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन ठीक नीचे रेड कलर का अभी दबा दे, और वीआईपी सब्सक्राइब सबसे पहले हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार पुश कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूं, हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज CarGuru। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, gaadifi.com को भूलना नहीं, ऊपर लिंक है। हाँ।